टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सितंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकते हैं। भारत को दक्षिण अफ्रीका से 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भी। धर्मशाला में पहला टी20 खेला जाएगा। कोहली और रोहित की निगाह इस मैच में कुछ निजी रिकॉर्ड्स पर होगी। ऐसे में भारत सकारात्मक शुरुआत कर सकता है। रोहित शर्मा वर्तमान में टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली उनसे केवल 53 रन पीछे हैं। रोहित ने 2422 रन 88 पारियों में बनाए हैं, जबकि कोहली 65 पारियों में 2369 रन बना चुके हैं। रोहित पहले मैच में धमाके के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, जबकि कोहली यदि रन बनाते हैं तो वे रोहित के करीब आ सकते हैं। वहीं रोहित और कोहली की निगाह एक दूसरे से आगे निकलने पर नहीं होंगी, बल्कि अन्य रिकॉर्ड्स पर भी होंगी। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में रोहित और कोहली दोनों ही 50 या उससे अधिक रनों पर टाई किए हुए हैं। रोहित ने 17 अर्धशतक और 4 शतक लगाए हैं, जबकि कोहली ने टी20 में 21 अर्धशतक लगाए हैं। लेकिन खास बात ये भी है कि भारत ने घरेलू मैदान पर टी20 में कभी दक्षिण अफ्रीका को नहीं हराया है। तो ऐसे में देखना होगा ये दोनों ही बल्लेबाज किस तरह से अपने नाम नए रिकॉर्ड्स करते हैं। आप भी इन दोनों पर अपनी निगाहें बनाए रखिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स।